आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 15 साल पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई से छिपिटोला में कटाई जोरों पर हो रही है। कबाड़ कारोबारी कागजात देखकर वाहन खरीद कर काट रहे हैं। कुछ लोग बगैर कागजात वाहन बेचने आते हैं, लेकिन कारोबारी ऐसे वाहन नहीं खरीद रहे हैं। 15 साल पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्यवाही तेज हो गई है। सड़क पर दौड़ रहे ऐसे वाहनों को धर पकड़ कर बंद किया जा रहा है। इसके चलते अब वाहन स्वामी ऐसे वाहनों को छिपिटोला में बेचने के लिए जा रहे हैं। कबाड़ कारोबारी वाहनों के कागजात और आधार कार्ड देखकर वाहन खरीद कर काट रहे हैं, जिससे कोई चोरी का वाहन न बेच सके। छिपिटोला में बाइक के साथ पुराने स्कूटरों की कटाई जोरों पर चल रही है। कबाड़ कारोबारी पुराने वाहन खरीद कर काटते हैं और फिर पुर्जे बेचते हैं। ये लोग इसलिए बेचने आ रहे हैं क्योंकि इनके वाहन जैसे 15 साल पुराने रोड पे चल रहे हैं, तो इनको पकड़ लिया जा रहा है। प्रशासन को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, रोड पे पुराने वाहन चल रहे हैं, तो उन्होंने भी वाहन स्वामियों से कह रखा है कि आप अपना वाहन जो है पुराना साल पुराना जो वाहन है उसको रोड से आप हटा लीजिए बिल्कुल, नहीं तो सीज कर दिए जाओगे। तो इसी के चलते हुए ये सारे वाहन 15 साल पुराने यहीं पर ही कटने आ रहे हैं, और ये कटने आ रहे हैं तो इनकी हम इनको चेसिस प्लेट कटवा के दे दे रहे हैं ताकि ये RTO में जाके अपने गाड़ी सरेंडर करा दें और इनको आगे दिक्कत भी नहीं हो प्रशासन की तरफ से। TTZ के तहत 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुराने वाहनों को बेच सकते हैं या फिर NOC लेकर दूसरे जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं। छिपिटोला में देख सकते हैं कि पुराने वाहन बेचने के लिए किस तरह लोग पहुंच रहे हैं। परिवहन विभाग कार्यवाही कर रहा है, फिर भी सड़कों पर ऐसे वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इसमें दो पहिया के साथ चार पहिया वाहन शामिल है। छिपिटोला के साथ ताजगंज टेढ़ी बगिया के अलावा अन्य स्थानों पर पुराने वाहन खरीद कर बेचे जा रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा।